सर लास्ट वीक अब क्या प्रॉब्लम आ गया आपको? सर लॉ मांगा था मेरे से हैं? कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने मेरे से लॉ मांगा था कि जिस केस में मेरे फ्लैट अलॉट हुआ है पिछली सर लास्ट तारीख, तो सर वो ऑलरेडी इसमें फाइल है मेरी पिटीशन में। सर मैंने ये अमेंडमेंट पिटीशन इस समय फाइल किया था जब मैंने उस जहाँ बताया है एक्सटर्नल कमेटी ने मेरे एडिशन में करप्शन किया था, बट सर दिस इज़ द लेटर ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड दिस इज द सब्जेक्ट फॉर रिवीजन ऑफ एनरोलमेंट एंड गाइडेंस ऑन सर्विस कंडीशन फॉर रिसर्च पर्सोनल। इसमें सर नेक्स्ट पेज नंबर 25 पे सर सेकंड पॉइंट में सर्विस कंडीशन, इसका सर सेकंड पॉइंट है एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस और रिसर्च फेलोज मे बी प्रोवाइडेड हॉस्टल एकोमोडेशन वेयर एवर अवेलेबल, रिसर्च फेलोशिप होल्डर रेसिडेंट इन हॉस्टल शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एचआरए वेयर एवर प्रोविजन ऑफ हॉस्टल एकोमोडेशन इज नॉट पॉसिबल एचआरए मे बी अलाउड टू ऑल द अबव कैटेगरी। सर ये जो इसमें कंडीशन है वेयर एवर प्रोविजन ऑफ हॉस्टल एकोमोडेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें सर मैरिड स्टूडेंट आ जाते हैं और इसमें अनमैरिड भी आते हैं, जैसे यदि किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स स्टूडेंट पर ही डिपेंड हैं वो नहीं छोड़ सकता, उसे हॉस्टल में नहीं रहना है, वो बाहर अपना पर्टिकुलर फैसिलिटी दे विल गिव यू हॉस्टल वेयर देयर इज नो हॉस्टल फैसिलिटी दे विल गिव एचआरए। सर हॉस्टल फैसिलिटी हो जैसे यहाँ पे भी है, यदि कोई स्टूडेंट नहीं रहना चाहता मैरिड है या किसी और प्रॉब्लम से नहीं रहना चाहता तो वेयर एवर प्रोविजन ऑफ हॉस्टल एकोमोडेशन इज नॉट पॉसिबल एचआरए मे बी अलाउड वेयर एवर प्रोविजन ऑफ हॉस्टल इज नॉट पॉसिबल। हां नॉट पॉसिबल में सर सारी कंडीशन आ जाती है कि स्टूडेंट मैरिड है या उस वो अपने उसके पेरेंट्स उस पर डिपेंड है वो उन्हें नहीं छोड़ सकता, कोई भी सारे रीज़न आ जाते हैं इसमें, तो एचआरए देना पड़ता है। तो सर एचआरए देने की बजाय जो आईआईटी सिर्फ आईआईटीज हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्लैट खाली हैं स्टाफ के, तो वो उन स्टाफ के फ्लैट पीएचडी स्टूडेंट को दे देते हैं, बाकी स्टूडेंट के पास भी है। डी डी नगर में तो जो हैं वो इवन फैकल्टी के क्वार्टर हैं, मैं तो स्टाफ क्वार्टर में हूँ फैकल्टी क्वार्टर में, तो मेरे को इसी प्रोविज़न के तहत फ्लैट अलॉट हुआ था। तो सर इन्होंने खाली करने का नोटिस दिया है। हाँ तो आपको वो फ्लैट मिलना, फ्लैट का एंटाइटलमेंट किसको रहता है? सर ऐसे अगर मान लीजिए आपको फ्लैट दे दिया इन्होंने और अब आप कोई कह रहे हैं कि दूसरी जगह आपको अवेल करा देते हैं। हाँ जी सर ये प्रोविजन 2019 में भी था जब मेरा एडमिशन हुआ था, तब भी डिडन अभी था पॉकेट भी था, बट मैंने सेफ्टी के पर्पज से सिर्फ यहाँ मांगा था और सर यहाँ पे मैं रेंट भी ज्यादा ही देती हूँ, डिडन 2200 है यहाँ पे रेंट जो मैं देती हूँ वो ज्यादा देती हूँ। तो रेंट क्यों देती हैं आप? सर रेंट तो हम देते हैं ना सर 5000 रुपए और जब सर 2200 देते हैं जो डीडी नगर में रहते हैं। अच्छा और सर 5000 में 5700 है एक्चुअल में हमारा, 700 रुपए हमसे फिक्स्ड चार्ज भी मांगा जाता है मेंटेनेंस का। सर मैं सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से पे कर रही हूँ सर। क्या गुप्ता साहब देव खत्म करो। हॉस्टल ऑफर कर रहे सर 25th May 2023 ऑर्डर है उसको इसी के क्या कि 5 जून के पहले आप हॉस्टल में शिफ्ट होंगे। नहीं क्या, अरे एक फ्लैट में अगर रहने के लिए वो जगह मांगा क्या था सर, जब खाली था 3 साल के लिए इनका एंटाइटलमेंट है, 3 साल हो गए उसके बाद अब आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरा शिफ्ट में हुई है क्योंकि ये जो हमारे अकेडमिक और नॉन अकेडमिक स्टाफ आ रहा है उसको ट्रांजिट हॉस्टल के लिए हमें इसको यूज करना। अब कोई लेडी है विडो है कोई हेल्प करने वाला है तो थोड़ी सिंपैथेटिक कंसीडर होना चाहिए ना। हाँ वो उसमें वही मेरा मतलब कहने का है, अगर कोई दिक्कत हॉस्टल हॉस्टल कितना दूर है वहाँ से? सर कैंपस में ही है हॉस्टल, बट मैं क्योंकि एज ए फैमिली रहती हूँ मैं अकेली हूँ। क्यों आप सर रहता कौन है? और सर मैं अकेली, मेरे पास पूरे अपने जो मेरा पैटर्न मेरे जो मतलब पूरा घर का सामान है मेरे पास, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि सामान कहीं किराए पे रखूँ। उसका मैं रिप्लाई दे चुकी हूँ। तो आर यू रियली सीरियस परस्यूइंग योर पीएचडी और यू वांट टू? सर मैं इतना स्ट्रगल सीरियस कर रही हूँ। बिकॉज़ योर एफर्ट्स अपीयर टू बी टू अडॉप्ट अ स्टेबल एटीट्यूड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर पीएचडी, यू आर जस्ट बीटिंग द बुश अराउंड एंड क्रिएटिंग सम अदर प्रॉब्लम व्हिच अपसेट्स द कोर्ट एंड द मैनेजमेंट बोथ समटाइम्स।
why don't you adopt a positive attitude and also cooperate with the management? सर मैं सब कुछ बता चुकी हूँ कोर्ट में सर मैंने अब मैंने और कितना एक साल मैंने इतना बॉदर किया है सर सब कुछ फैक्ट रिमेंस सर वी हैव दो वी हैव गिवन इंडल्जेंस दैट डज नॉट मीन दैट एवरी टाइम यू कम टू द कोर्ट एंड वी शुड कम टू योर व्हाटएवर यू वांट वी शुड पास एन ऑर्डर सर अभी भी वी हैव टू आल्सो वी हैव टू आल्सो सी द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन सर अभी भी 16 फेयर खा रही हैं सिर्फ क्योंकि मुझे हार्म करना है क्योंकि मैं बाहर सेफ नहीं रह पाऊंगी मैं डिड नॉट बाहर जाओ तो हॉस्टल कैंपस में ही है ना सर हॉस्टल में तो सर मैं बस इतना पूरा घर का सामान है फ्रिज वगैरह सब सारा सामान है मेरे पास हॉस्टल में तो पॉसिबल ही नहीं ना ये ऑप्शन कभी ना कभी तो तुमको जाना ही पड़ेगा यहाँ से तो सर तब तो फिर मैं मेरी पीएचडी होने के बाद मैं जहाँ जॉब करूँगी वहाँ जाऊँगी अभी थिंग्स आर गोइंग ऑन आई वंडर यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर पीएचडी अभी प्रेजेंट में खाली बिकॉज़ यू आर सो मच इंग्रॉस्ड विद अदर थिंग्स आई वंडर इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर पीएचडी सर सिर्फ दो पोस्ट निकली हैं एडवर्टाइजमेंट में और सर अभी भी 16 फ्लैट खाली हैं गुप्ता साहब 6 महीने और एडजस्ट कर लो इसको सर हॉस्टल में आपको चॉइस दे दी गई क्यों मतलब क्यों इंसिस्ट कर रहे हो ये बता दो मैं अनलेस यू कुछ मैं अगली डेट पर एक एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ जो मेरे को कहना अभी ओरली कहना जरा अच्छा नहीं सर मैं इनका पूरा रिप्लाई फाइल कर चुकी हूँ इनके एप्लीकेशन का मैडम इफ यू एक्सीड योर लिमिट वी ऑल्सो लिसन टू मी फर्स्ट लिसन टू मी यू हैव टू लिसन टू अस ऑल्सो दिस इज नॉट अ फोरा वेयर यू कैन इतना टाइम है ये सब नहीं करना है सर इन्होंने खुद 12 से 30 अगर अगर आपको अगर आप अगर आप ये समझ है कि आप यहाँ यू कैन टॉक एनी नॉनसेंस मैं बस इतना Then better I will show you the exit gate. Behave yourself and listen to us. You are supposed to listen to us first. ज़्यादा मुंह चलाने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर. जब बेंच बोलती है तो आपको सुनना पड़ेगा. कैसी किधर ज़बान चलती है. You do not know your limits and you have no regret, no remorse for behaving like this. It's unbecoming of a person in the courtroom. Once we say listen to us, you are supposed to listen to us. मैं हाइट ऑफ नॉनसेंस अनलेस यू कंडक्ट योरसेल्फ प्रॉपरली वी विल थ्रो योर पिटीशन वंस वी हैव गिवन डेली डजंट मीन दैट एवरी टाइम यू कम हियर एंड स्टार्ट स्पीकिंग विदाउट फुल स्टॉप कॉमा वी आर नॉट योर गार्जियन वी आर नॉट योर पेरेंट्स वी आर कोर्ट वी हैव टू हियर बोथ साइड्स एंड वंस वी स्पीक बोथ ऑफ यू आर सपोज टू लिसन टू अस यू फाइल एन एप्लीकेशन वी विल सी टू इट हैज शी फाइल एनी एप्लीकेशन और नॉट सर आई हैव फाइल्ड कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर You want to argue your petition finally today? Madam, yes. Do you want to argue your petition finally today? Sir, as court. No, if you want, we can pass the order today only, disposing of WP. Thanks. Now, we will not adjourn the case. Let us see your prayer. And we will, first you have to demonstrate which of your legal rights are violated for which we can invoke article 226 show me your legal right what is your main relief and remember you are arguing finally yes. Ha. Now you show me your relief in your petition and any provision of law which supports your pleadings supports your prayer First, read the prayer. Sir, in main petition, read page number 9. Read the prayer, page number 9. Your first prayer is to release your scholarship, gate of scholarship, January 22. Second is adjust these 11 months in the course duration, in the course of petitioner. Withdrawing the cancellation of admission of the petitioner, giving compensation for mental this cannot be countenanced, ensuring safety, and that's all. Mr. Gupta, sir, when we passed the first interim order, if you recall, 22, we have given all this relief. So that covers this one that covers first relief. No, sir. Fourth and
this 11 months have you adjusted? In the supervisor second also. Second also, Adjusting these 11 months in the course duration of petition. That will be adjustment final or result form. You just seek instructions on this number 3 only. Yes. And come back, we will dispose of the petition. That's all. Sir, first is not. Your scholarship? Sir, since January 22, Rikhasa management. The period which she attended. That we will discuss and pass the order. No interference in any other matter. Sir, I have filed amendment petition and additional relief. Has it been allowed? Yes, sir. Acha. Now, what is relief?